है शिव जी है। हाँ हाँ अब विगत बहुत दिन से हो गए ऋषि है, मतलब निकले तो कहा है शिव जी है सपना दिश पहली। अब हाँ। भकर भकर खनना है, दीही माटी भग भग खनाना है। हाँ हाँ। तो खनत खनत ना वो जब मारिस ना हाँ। तो क्रेन जैसे मारिस। अच्छा हाँ, तो खपटा है ना, तो शिव जी में अभी भी चिन्ह है। हाँ, निशाना देखिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। मेरे साथ है कैमरा मैन लक्की भुंडेकर। अभी हम लोग पाटन क्षेत्र आए हुए थे, पाटन विधानसभा, जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काका और उनके भतीजे विजय बघेल का भी चुनावी मुद्दा पूरा छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसी को हम लोग कवरेज करने के लिए आए हुए थे। तो इस जगह जो रानी तरह के आगे में हमको प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी हुआ और हम लोगों ने भी सोचे कि यहाँ कवरेज करेंगे और बहुत ही विशाल का है और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जानकारी मिला है। अभी शंभू है कि जो मंदिर की जानकारी है, जो भी यहाँ के अध्यक्ष लोग हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको मंदिर भी कवरेज करके दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद यही है क्योंकि प्राचीन मंदिर है और यहाँ के बारे में अभी बता रहे हैं कि ज़्यादा किसी को पता नहीं है और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे विशाल महाशिवरात्रि का एक आयोजन भी हुआ, बोलते हैं 50,000 आदमी लोग आए हुए थे, तो हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम मंदिर कवरेज करने के लिए बस अंदर जा ही रहे हैं और जो भी मंदिर के ऐतिहासिक है जानकारी हम आपको देंगे और यहाँ पे जो एक सिद्ध करने के लिए जो गोस्वामी जी आए हुए थे उनके द्वारा मंदिर का एक इतिहास है, बोल रहे हैं हमको जाना ज़रूरी है, तो हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी मंदिर में अभी भीड़ है, अभी पूजा चल रही है और बाकी जो हमारे भाई बहन लोग जो आए हुए हैं उनसे हम थोड़ा बातचीत करेंगे। बाकी जो मंदिर के बारे में जो इतिहास है उनके अध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। तो भैया सबसे पहले आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम उत्कर्ष सेन है जी। उत्कर्ष सेन जी जी। तो मंदिर के अभी कब से आ रहे हो भैया यहाँ? जैसे वैसे तो मैं प्रॉपर यहाँ से नहीं हूँ, मैं रायपुर से हूँ, इसलिए मेरा दूसरा बार है यहाँ आना। हाँ हाँ। पहले मैं बचपन में आया था एक बार, उसके बाद अभी ये दूसरा बार आ रहा हूँ। तो बचपन में आए थे और अभी जैसे आया था, कुछ चेंजेस ऐसे कुछ लगा कि? चेंजेस यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट फील हो रहा है। हाँ हाँ। बाकी सब नॉर्मली फील हो रहा है वैसे तो। तो ऐसा शिवलिंग आप जैसे बता रहे हैं, ऐसा कभी और छत्तीसगढ़ में कहीं देखे हैं ऐसे विशाल का ऐसे शिवलिंग? छत्तीसगढ़ पे और कहीं ऐसा तो नहीं देखा है। हाँ हाँ। वैसे तो ये भूतेश्वर नाथ गरियाबंद में। हाँ, गरियाबंद तो लगी हो चट्टान के रूप से है ना, ऐसा जैसे विशाल के शिवलिंग के रूप में जैसे। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं देखे होंगे ना। तो मंदिर के बारे में भी आप लोग भी कुछ इतिहास को जानकारी ऐसे कभी लिए थे? वैसे तो हमने नहीं लिया है लेकिन हम आज जानने के लिए ही आए हैं एक्चुअली इस मंदिर के बारे में, क्योंकि बहुत सुना है बचपन से अपने मम्मी पापा के मुंह से, इसलिए हम ये भी चाहते थे कि आज हम यहाँ के जो भी अध्यक्ष है वहाँ से यहाँ का इतिहास जान सके उनसे। तो उनसे बातचीत की है? अभी जस्ट हमने एंटर किया एक्चुअली मंदिर में, तो दर्शन के बाद हम उनसे बात करने का सोचा। धमतरी छाती कर छाती से आओ धमतरी करके छाती। तो भैया मंदिर के बारे में तो मतलब पता चली थी जैसे कि विशाल का मंदिर है, तो लोगन मतलब बताना बहुत जरूरी है। मंदिर के बारे में तू मतलब इसे कुछ जानकारी किस नहीं रही से? रही से मैं बचपन में भी आया हूँ। हाँ। बहुत बार पहले छोटे रही से, बहुत बहुत पड़े हो गए छोटे में। मेरे अपन रियल में से देखे इस मंदिर के छोटे। हाँ, हाँ, रियल में आया हूँ मैं, नानी के रहे हूँ तो आते रहे ना। अच्छा। हाँ। तो समय छोटे मरी से कटे। हाँ। मरी से बोले शिवलिंग है। अब कहे जाए तो मैं खुदे नानी के रहे हूँ तो मोर हिसाब से वो छोटे रही से। छोटे रही से। हाँ, अब प्रकार है बढ़त जाते बहुत बड़े हो गए। अब बहुत बड़े हो गए। हाँ। तो अब ऐसे जैसे देखिए से हमारे मतलब छत्तीसगढ़ में से बहुत जगह है वे। हाँ। जहाँ शिवलिंग ऐसे स्वयंभू है। हाँ। और बढ़त जाते। हाँ। तो ऐसे देख के वैसे शिवलिंग और कभी कोनों में देखे नहीं देखे जैसे शिवलिंग वैसा वाला नहीं देखे हूँ ऐसा शिवलिंग। जो शिवलिंग की जो खुदाई किया गया था जो सपने में जो आया था बोलते जमींदार को, उसके बाद जो खुदाई का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद ये वाला भाग आप देख सकते हो। यहाँ से जो बताया खुदाई में जो शिवलिंग में जो खुदाई करने के बाद जो खरोच आया था यही वाला निशान है। अब नीचे का भाग जितना खुदाई करते गए उतने आते गए बोल रहे हैं। अपन काली मंदिर आ चुके हैं, ये वही काली मंदिर है और कलकत्ता से इसी माता जी के मुकुट चोरी करके यहाँ लाके सिद्ध करके यहाँ बैठाया गया था।
जो मंदिर के बारे में जानकारी हमको लेना था, जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना था, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और इस मंदिर के बारे में जो भी विशाल का है, जो भी रूपरेखा है और कितने सालों बाद मंदिर का विकास हुआ, जो काली माता के बारे में जो हमको जानकारी मिली थी नेट के माध्यम से, वह सब चीज़ को हम लोग जानकारी भैया के माध्यम से लेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज आपको अपना कीमती समय दिए। तो भैया सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताते हुए आप शुरुआत करिए आज मंदिर के बारे में। जय होले, मैं योगेश्वर साहू मंदिर का अध्यक्ष हूँ। तो जोर से बोलना भैया। हाँ तो भैया, मंदिर के बारे में जैसे हमको जानकारी मिली है जी, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली, आज हम लोग पाटन आए हुए थे विधानसभा कवरेज करने के लिए जी जी। तो मंदिर के बारे में ऐसा कुछ इतिहास जो है वो बताया भैया, ताकि अपन बात मीडिया के माध्यम से पहुँचा सके। जरूर बताऊँ जी। एक आहे पहली जो ये बस्ती रही से 11 एकड़ के जो जमीन है, हाँ हाँ, वो पुराना बस्ती रही से। हाँ हाँ। तो विगत जैसे महामारी आया पहली, हाँ हाँ, तो का है सियान मन हा सब बोलते कि महामारी आ तो ये जगह ला छोड़ेल पड़ी। हाँ हाँ। तो कई सियान के राय रहीस कि नहीं अपन जगह छोड़ के नहीं जान। हाँ हाँ। और कई कई ऐसे रहीस कि जगह ला छोड़ के जाया जा जी जी। तो धीरे धीरे आदमी यहाँ ले सामने आऊ है बस्ती। हाँ हाँ। तो भाटा रिस पहली। हाँ हाँ। तो वो तरफ बहुत ऐसे धीरे धीरे जात गीत ऐसे ऐसे पूरा यहाँ चले गए। अच्छा, खाली हो गए एक गांव। खाली हो गए। हाँ हाँ। अब यहाँ का है मंदिर रही से, एकादशी रही से, बजरंग बली रही से, भैरवनाथ के मंदिर रही से। हाँ हाँ। चंडीदाई मंदिर रही से, मन का है पुराना वो समय। हाँ हाँ। बस्ती रही तब रही से यहाँ। ओकर बाद में फिर ये मन सब चले गए ना, तो ये क्या है पूरा जंगल बन गए। मंदिर है ये मंदिर प्रांगण पूरा जंगल बन गए। कई हजारों के बोईर आम गंगमली ऐसे नाना प्रकार के वृक्ष जग गए में। हाँ, तो ये का है जंगल बन गए। हाँ, तो इंसान यहाँ आए वरना घबराए। अच्छा। कि अब जाना है मतलब यहाँ से छूटे हुए है। तो हाँ, कई जो आदमी बताया कि वहाँ खत्म हो है महामारी में। हाँ, तो हाँ, का है पहली ये रहा कि भूत परे तो ये ज्यादा मतलब ये रहा डरवाए लिखा मन को डहन मत जाए नदिया है। हाँ, हाँ, कोनो डहना वो कहीं ऐसे डरवाए नहीं। हुँ, हुँ, तो यहाँ आए वरना डरवाए आदमी मन ला। हाँ, हाँ, जंगल है कहीं हूँ हुआ जी का ऐसे टाइप के। हाँ, हाँ, तो वही दरमियान ना का है शिव जी है। हाँ, अब विगत बहुत दिन से हो गई सी है मतलब निकले। हुँ, तो का है शिव जी है सपना दिश शंभु है। अच्छा। बस्ती में जो मालगुजार पहली पटेल नहीं रहा है। हाँ, हाँ, जिसे के गांव के मुखिया रहा है पहली, तो ये हाँ, पंचायती राज नहीं रही से। हुँ, हुँ, तो बाद में बनी से। हाँ, हाँ, तो मुखिया ला जानकारी दी। हाँ, कि मैं आप मतलब बचाया बरात हो तुम सब के सब जात जात हो। हाँ, हाँ, तो बस्ती में का है सब पहली यही खेले रमी उमी कहीं ये। हाँ, 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 त्रिपा यही वाले खेले। हाँ, नहीं गा गाँव में गाँव गाँव पहली। हाँ, हाँ, तो सब एकत्रित हो तो एक दूसरे चर्चा करत करत ऐसे अब पूरा जान डर थे। हाँ, हाँ, तो बोलते सब कि सब चोरन भाई देखे में का है सपना। हाँ, देहे। हाँ, हाँ, तो देखे में कोई आपत्ति नहीं है देख ले था ऐसे करके। तो हाँ, हाँ, वहाँ के चार पांच जन सियान मनाई से ऐसे। हाँ, हाँ, ऐसे तो धीरे धीरे सब बहुत सकलाज थे। हाँ, हाँ, कि का होते चरण हम मन जाथन मंदिर में। हाँ, हाँ, ऐसे टाइप के अब ये का है मंदिर बस रही सी है। हाँ, हाँ, तो वो सब के सब ना ऐसे और ये रास्ता रही से ऐसे बताते पहली सियान मन है। हाँ, हाँ, ऐसे गाड़ा वाले रास्ते रही के थे। हाँ, तो चलो देखा जाए कि तो आ के ना बताई सो ही मालू जा रहा। हाँ, हाँ, कि यही जगह में देखो जी सपना की के। अच्छा। तो दो चार जगह ऐसे खनिज तो अब जानता नहीं पहली अब। हाँ, भकर भकर खनना है डीही। हाँ, माटी भक भक खनाना है। हाँ, हाँ, तो खनत खनत ना वो हा जब मारिस ना। हाँ, तो क्रेन जैसे मारिस। अच्छा। हाँ, तो खपटा है ना तो। हाँ, शिव जी में अभी भी चिन्ह है। हाँ, निशान ना देखे निशान हवे में। हाँ, हाँ, वो खपटा है तो आदमी मन बोलिस कि नहीं एक है कुछ ना कुछ। अच्छा। क्रेन जैसे मारा थे। हाँ, हाँ, लूक गिरी से अगर खपटे होता। हाँ, हाँ, ऐसे टाइप के। तो ओकर बाद में सब झनाक ना ओकर राइट साइड ले पहले वो खनिस नहीं अब दूर से खनो। नजदीक से मत खनो दूर से खनो। हाँ, तो का है आदमी डर्रात डर्रात खने चालू करिस। तो खनिस ना तो वाकई में शिव जी निकलिस। अच्छा। वो समय इतना छोटे रहीस के थे। हाँ, 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 आकार में वो जमीन के अंदर रहीस मतलब लेवल में रहीस हुआ। हाँ, हाँ, है ना। हाँ, तो अब तो धीरे धीरे वो विशाल हो गए हैं। अच्छा। तब के फीट की हुई अभी है जो अभी लगभग वो अंदाज 4.5 फीट की हुई।
अच्छा ऊपर है अभी ऊपर है अब उतना नीचे में नीचे भी वो 10 फीट वो खने रही से हाँ। जब वो मंदिर पुराना हो गई तो नया बनाना ही करके हाँ। तो मंदिर तोड़ी ना ते समय वोला 10-12 फीट और गड्ढा खने रही से अच्छा कि कितना मतलब अंदर में देखा जाए कि के तो पानी वगैरह गिर से और खन भी नहीं पाई तो श्यान मन बोलीस कि शिव जी ला तू मने एक रथ हो छोड़ो ये पाप के भागी काबर ले थो वो तो आदि अनंत हरे बोला छोड़ दे अच्छा ऐसे करके छोड़ के ना फिर वही मंदिर बना है अभी हाँ, ऐसे हाँ। तो ये तीसरा मंदिर हरे बताते हिसाब अच्छा। में पहला मंदिर टूट गए छोटे ढी से हाँ। वो समय नेव यहाँ बड़ बड़ के रहा है पहली नेव है हाँ हाँ। और छोटे से मंदिर रहा तो वो कहा फटिस ना तब फिर बना है कर संलग्न में अच्छा दूसरा बार हाँ। दूसरा बार भी फटिस ना हाँ। तो अभी ये तीसरा बारों के मंदिर बने अच्छा मतलब जैसे मंदिर बढ़त जाए मतलब शिव जी है बढ़त जाए ना तो कहा फटत जाए मंदिर है तो वजह से ना ये है तीसरा बार के मंदिर है अच्छा। जो अभी यथा स्थान हवे हाँ 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 दो बार के टूट गए तो जो अभी सुने अध्यक्ष जी के मंदिर के माता जी के मंदिर के बारे में सुने काली माता हाँ। सपना जो मतलब लेके आए बोलते हाँ, हाँ। बारे में क्या रहस्य है ओकरो बारे में एक रहस्य है हाँ, हाँ। जो कि यहाँ तंत्र मंत्र जो ये जब जंगल हो गए ना तो कोई नहीं आई यहाँ मंदिर तो बन गई शिव जी के तो ओकर बाद में ना फिर ये करीबन 100-150 साल के बाद बता था हाँ हाँ। यानी हाँ 200-250 साल के बाद बता जो श्यान मन है कि काली माई ला कलकत्ता से ला है कहना है हाँ हाँ। काली माई हाँ जो रही से वो कलकत्ता में दूठ हो रही कहना हाँ हाँ। आज भी सेम है हाँ। ये है वो भी उसने है अच्छा तो मान्यता है जो ला रिश्तिकर कि वो है इमली के पत्ता में ला है अच्छा इमली के पत्ता में नदी मार्ग से ला के अपन काली घाट बोलथन हमन हा जो नदी से ला है तेला काली घाट बोलथन तो वो बोलीस माता हा कि मोला ऊंच स्थान देना करके तो माता जी ला ऊंच स्थान में सबसे अब स्थान ऊंचा ना वही जगह है माता जी के अच्छा तो वो जगह ना अब वो का है सिद्ध पुरुष री सुहु है मतलब तंत्र मंत्र में है तो वो वो जगह स्थापना करे है मंदिर वंदिर भी बना रही से हाँ मतलब यह हो कहू नया बन गए अच्छा हाँ वो भैरवनाथ के मंदिर है उकर सामने में तो वो काली माता जो मातल जो ला है वही आकार मिला है कि कैसे छोटा नहीं नहीं, नहीं नहीं वही आकार मिला वही आकार मिला वही चकार है तो नदी में ला है नदी के हिस्से ला है मतलब डोंगा बना के ना ला है अमलिक पत्ता का है तंत्र मंत्र और जो सिद्धि है ना हाँ हाँ। बहुत शक्ति रथ है हाँ हाँ हाँ। वो कहीं से भी मतलब कहीं भी वो माछी हाँ। बन के भी मतलब उड़े वो हाँ हाँ हाँ। रही से हाँ हाँ। वो माछी बन के भी मतलब उड़ जाए कहना अच्छा। मतलब बहुत शक्तिशाली रही तंत्र मंत्र में हाँ तो वो बोला ला है और जो अभी जो समाधि के बारे में सुने महाराज बात फिर परमानंद गोस्वामी जी है अच्छा हाँ वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है हाँ हाँ। तो ओकर माध्यम से कहा है यहाँ बहुत यज्ञ करी से हाँ। संतोषी माता के मंदिर ही सामने बना रही से और अर्ध नरेश्वर के मंदिर बना रही से हाँ हाँ। और माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह रचे अच्छा शादी करे से हाँ हाँ हाँ। तो महाशिवरात्रि उही समय से लगते परमानंद गोस्वामी के जो देन हरे वो हाँ हाँ हाँ। यहाँ जो मंदिर में कहे जाए मेला लगना हाँ हाँ। वहीं से स्टार्ट हो है यह 69-80 के आसपास की बात है अच्छा। जो यहाँ से मेला है महाशिवरात्रि जो लगते थे हाँ हाँ। अभी भी चलते हैं अच्छा हाँ। वो तो ऐसे महापुरुष रही कि उकर संग में शिव जी के स्वयं हाँ हाँ। मतलब स्वास्तिक नांग जो है हाँ हाँ। शिव जी के हाँ हाँ। उकर संग में मतलब रहा है वहाँ अच्छा पूजा करे तो नाचे यही रहा है, हाँ, यही रहा है। हाँ हाँ। ओकर कुटीर ही सोगर हाँ हाँ। समाधि है भी हाँ, हाँ हाँ तो वो का है आरती करे ना तो नाचे शिव जी में संतोषी माता में और हाँ। एक बच्चा की तरह रहा है अभी भी है वो सर्प हाँ। जो कोई कोई देखते हैं वो ऐसे हजारों कईयों आदमी देखे हैं अच्छा सांप ला सर्प ला तुम अच्छा डांस करते हुए सांप ला देखे हैं बिल्कुल आर्थिक समय हमन तो बचपन से ही हन और अभी भी इतना बड़ बाढ़ गए हैं लेकिन अभी मंदिर में हन और संतोषी माता की पूजा करे ना तो भव्य रहा हो नाचे भी महाराज है नाच नाच के पूजा करे वैसे शासन के जरा से कुछ सहयोग योग ऐसे कैसे है मतलब शासन तो मांगत मांगत हम बहुत दिन से मांगत है अभी भी दे हन एक विज्ञापन दे रहे हैं
सेप्टिक 10 सेप्टिक शौचालय नहाने के नहाने के तो सीएम साहब तो कुछ अलग बोली से अच्छा कहा बोली से हाँ वो बोली से कहा है केस चला थे अच्छा ये मैंने जमीन के बारे में केस फाइनल हो गए कहा ट्रस्ट हो गए कहा ऐसे मतलब हम ये नहीं सोचे थे हम तो मंदिर के विकास और दर्शनार्थी मतलब कोई मत पड़े की मांगा था कहा है आ हम तो एक दिन तो जाना है हमारा लेकिन कम से कम जो रहने वाला है वोकर व्यवस्था हो जाए एकर माध्यम से हम आवेदन दे गई तो आप देख सकते हो मंदिर के बारे में इतना जोरदार इतिहास है और मीडिया के माध्यम से आप सभी से विनती करेंगे कि आप भी इस मंदिर में एक बार आए और भोलेनाथ जी का एक औपचारिक रूप देखिए क्योंकि शंभू है माता काली जी का भी मूर्ति है जो बता रहे हैं अपन मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया मतलब धन्यवाद।